आदिवासियों का आदिवासियों पर गलती करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रपति पर गलत बयानबाजी करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम आदिवासियों का सम्मान पर ठेस पहुंचने नहीं देंगे। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चल चलिए भैया, करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सांसद अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। राष्ट्रपति पर अपमानजनक बातें करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सांसद अधिरंजन चौधरी ना बंद करो, बंद करो, ना बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी हाय हाय, हाय हाय। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी शरण करो, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत का आदिवासी राष्ट्रपति पर अपमान करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिरंजन चौधरी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शरण करो, शरण नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, शरण करो, शरण करो। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामने सटो भाई, सामने सटो भाई। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हाय हाय, कांग्रेस पार्टी हाय हाय। ये हमारा आदिवासियों का प्रतिकार है। हम सुधीर रंजन चौधरी का भर्त्सना करते हैं, जिन्होंने अपनी सोच, जो नीच सोच को प्रदर्शित किया है। जानबूझकर एक आदिवासी महिला पर इन्होंने कहा कि राष्ट्रपत्नी, ये कहना क्या चाहते हैं? ये समाज के, आज नरेंद्र भाई मोदी ने समाज के अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति हैं, आदिवासी समाज का आदमी, उस महिला को उठाकर इन्होंने, इस महिला को उठाकर उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। भारत के संविधान के सर्वोच्च पद पर महिला को बैठाया है। ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये पच नहीं रहा है, ये उनकी मानसिकता है, जिसके वजह से इन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जिसकी हम भर्त्सना करते हैं और इसका हम प्रतिकार करते हैं, इसका हम जोरदार विरोध करते हैं। चाहेंगे आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के द्वारा। देखिए, जैसा जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग आदिवासी समाज पूरा हर्ष उल्लास है कि 75 साल के बाद पहली बार कोई आदिवासी राष्ट्रपति बना। तो देखिए, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है जो पूरे देश में अभी अब तक 15 राष्ट्रपति बने, लेकिन पहले राष्ट्रपति पर इतना बड़ा अपमानजनक बातें, कभी भी किसी भी प्रकार का टीपा टिप्पणी नहीं किया गया, लेकिन पहली बार एक आदिवासी राष्ट्रपति बना। तो ऐसे नेताओं को, खास करके कांग्रेस के मैं नेताओं को कहना चाहूँगा कि आप लोगों को दिल में या मन में क्या है ना, वो हो नहीं रहा, पच नहीं रहा है कि एक पहली बार आदिवासी इतना बड़ा सर्वोच्च पद पर नेतृत्व करने वाला है। मैं बता दूँ कि डॉक्टर अजय भी इस तरीके का बयान दे चुका है कि शैतानी उतानी। तो देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी पार्टी है, दिखा दिया है। इन लोगों में दम रहता तो 70 साल उन लोगों के पास मौका था एक आदिवासी राष्ट्रपति को, उस समय उन लोगों क्यों नहीं बनाया? ये लोग एक अध्यक्ष तक बदलने का औकात नहीं रखता है, एक आदिवासी राष्ट्रपति पर इतना भद्दा बयानबाजी कहाँ का दिखाता है कि निश्चित तौर पर ये लोग आदिवासी विरोधी है। सरना समिति के द्वारा आज यहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन किया गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ये विभिन्न सामाजिक आदिवासी संगठनों के द्वारा आज कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के द्वारा जो बयान दिया गया है कि पूरे हिंदुस्तान के पत्नी है, ये इस तरह के इतना बड़ा अपमान हम लोग नहीं सह सकते हैं। आज विभिन्न आदिवासी संगठनों के द्वारा आज हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं, उसका उनका जितना भी निंदा किया जाए कम है। हम लोग घोर उसका विरोध करते हैं, अभिनंदन करते हैं, इसका मतलब क्या निंदनीय है, ये हम लोग सहन नहीं करेंगे। और जो कि ये राष्ट्रपति, कोई भी राष्ट्रपति का इस तरह के अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया है कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी द्वारा, ये सहन नहीं किया जा सकता है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं मेघा राव, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति के अध्यक्ष।
आदिवासी सरना समिति के द्वारा जो है आज यहाँ पे आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं और यहाँ पे जो है पुतला दहन किया गया कांग्रेस नेता के द्वारा। आज हम लोग जो कांग्रेस के जो सांसद है रणधीर चौधरी जी, वो आज हम लोग नारी शक्ति को इस तरह अपमान किए हैं कि नारी शक्ति पूरा विश्व पूरा भारत के नारी शक्ति को आज इस तरह का अपमान किए हैं। जो राष्ट्रपति का नाम लेके जो एक महामहिम संवैधानिक पद पर रहते हुए उनका जो अपमान कर दिए हैं, वो नारी शक्ति ऊपर उनका विचार क्या है, उसका नियत क्या है, उसका सोच क्या है, वो इसी से पता चलता है कि वो किस तरह का आदमी, एकदम नीच आदमी है, उसका विचार एकदम नीच आदमी है। और नीरज धीरज क्या नाम है उनका, नीचे चौधरी जी जो हैं वो एकदम नेता लायक नहीं है, इसे कांग्रेस उनको सह रहे हैं। जो इस तरह का अगर कांग्रेस इस तरह का नेता रखेंगे तो इसी तरह का कांग्रेस आज जो बदनाम हो रही है, जो नारी शक्ति का अपमान करने में कुछ उन लोग को लाज शर्म बेहया हो गए हैं, वैसे नेता कांग्रेस में रहने लायक नहीं है। ठीक है, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रोपनी मींज है, जो झारखंड आदिवासी सरना समिति के सदस्य हैं।